अभी तक अब ये जो नीलगिरी का एमएलए कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया गया है क्या? नहीं किया गया। अब बात तो फिर गलती कहाँ है? वो लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, वो जीतेंगे मैं भी जीतूंगा। ये मैटर ये है, हम अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जे प्रताप भाई जो पहले नीलगिरी का एमएलए थे, दो दो बार मैं ही जिताया था उनको, कोशिश किया था उनको जिताने के लिए, तो वहां से वो लड़े और मैं पार्लियामेंट से केले बालेश्वर से लड़ू, इसलिए कि मैं कभी एमएलए स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, आज भी नहीं हूं, और मैं एमएलए के लिए कभी नहीं लड़ा। लेकिन वो दो दो बार एमएलए थे, वहां से वो लड़े। इसमें एडजस्टमेंट, ये तो ये इतना अच्छा एडजस्टमेंट और कहाँ हो सकता है? अभी तक भी बीजेपी नीलगिरी का एमएलए कैंडिडेट का नाम घोषणा नहीं किया, फिर तो हो गया तो बस। अभी अभी क्या बोल रहे हैं? अभी आप संसद के लिए खड़ा होंगे मैं और खड़ा प्रताप हूंगा षडंगी जी एमएलए के एमएलए लिए पे खड़े लिख होंगे। रहा हूं, है वो मंत्री बने, वो मंत्री बने, या मुख्यमंत्री अगर पार्टी चाहे तो उनको मुख्यमंत्री बना सकता है। सर अगर मैं उनका उनका समर्थक हूं, मैं तो पहले तो समर्थक था, आज भी हूं, मैं कभी उनको विरोध कभी किया हूं, आपने कभी देखा है? सर, लेकिन ये सुना जा रहा है कि अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो आप अरे इंडिपेंडेंट भाई कर देंगे। तो एडजस्टमेंट वो उस समय में बताया था, अभी तो मैं चेंज कर दिया, वो बात चेंज कर दिया, बोला कि वो एमएलए लड़े मैं पीलूड़ बस। वो पहले भी एमएलए भी थे, मैं पहले एमपी था, मैं तो कभी एमएलए के लिए नहीं लड़ा। सर अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ और आपको एमपी टिकट नहीं मिला और कल अगर अरे आपकी सीट, क्यों नहीं होगा, क्यों अगर नहीं सर होगा? कल अगर सीट हार जाता है तो अरे इसके लिए नहीं जिम्मेदार नहीं कौन होगा? अरे भाई कोई जिम्मेदार भी होने, आप सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं। ये जो वो संभाव्य प्रश्न जिसको कहते हैं, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। सर ये आप इतना अच्छा प्रपोजल पार्टी के लिए दिया हूं, आप जो कह रहे हैं इसको सब सुन रहे हैं, तो वो लड़े वो जीते मैं भी जीतू बस। पार्टी क्यों नहीं चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा मैं पूछूंगा। अभी तक अब ये जो नीलगिरी का एमएलए कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया गया है क्या? नहीं किया गया। अब बात तो फिर गलती कहां है? वो लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, वो जीतेंगे मैं भी जीतूंगा। तो अभी एक्सचेंज करने का जो प्रपोजल है पार्टी ने एक्सेप्ट एक्सचेंज किया है? सुनिए, एक्सचेंज नहीं, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एक्सचेंज कहां है? सर पहले कहा जा रहा था कि आपको नीलगिरी के लिए टिकट देने को तैयार है, कभी बोलते तो अरे आप हार भाई मान जाएंगे। नीलगिरी के लिए मैं तो एमएलए के लिए कभी लड़ा नहीं, मैं क्यों नीलगिरी से लड़ू? क्यों मैं नीलगिरी से कभी लड़ा हूं? वो लड़े, प्रताप भाई लड़े, तो फिर मैं क्यों नीलगिरी जाऊं? ऐसे ही बोलने के लिए बोला जाता है। सर अभी फाइनल क्या बोलेंगे आप? फाइनल यही होगा, आज प्रपोजल देकर गया हूं बस। इतना अच्छा प्रपोजल और पार्टी को कहां से मिलेगा? वो भी जीतेंगे मैं भी जीतूंगा।